एग्जाम्पल्स हैं ई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का. पहला एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूँ, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है एम वन, पॉइंट एक मास है एम वन, एक और मास है इसमें कितना एम टू, एक मास है एम वन एक मास है एम टू, और मुझे क्या करना है एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, नेट ई निकालना है. मुझे इसके मिड पॉइंट पे क्या ढूंढना है, नेट ई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है. अब पॉइंट नंबर वन, ई की वैल्यू अगर मुझे यहां ढूंढनी है तो कौन लगाएगा ई, इनमें से बड़ा कौन है, एम वन या एम टू. ओके ठीक है, मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूं क्वेश्चन की, फिर अगर कंफ्यूजन है. एम वन एम टू मान लो अर्थ और मून के मासेज हैं, चलो अब छोटी मोटी बात ही नहीं करते, दो चार किलो की बात ही नहीं करते, अर्थ और मून है, अब तो दोनों फील्ड लगाएंगे, बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, और यहां पर तो मुझे ई जहां मुझे निकालना है वहां तो मास मुझे चाहिए ही नहीं है. तो अब ई कौन लगाएगा, यहां से एम वन भी लगाएगा, उधर से एम टू भी लगाएगा, बड़े बड़े मासेज हैं. हाँ देख, शो नहीं किया, पॉइंट मास शो कर दिया, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है. तो मान लो अगर ये प्लैनेट है, ये भी ई लगाएगा, फील्ड लगाएगा, ये भी फील्ड लगाएगा, बताओ ये एम वन इस पे फील्ड कितना लगाएगा और कहाँ लगाएगा. जहाँ ई निकालना है वहाँ अपने मन में मान लेना है कोई मास ही नहीं पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है, चाहे जितना मर्जी पड़ा हो, चाहे यहाँ पर रॉकेट पड़ा हो, रॉकेट का मास चाहिए नहीं मुझे ई निकालने के लिए, तो मैंने तो मान ले लिया. अब एम वन ने वन को अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट पुल करना है, तो फोर्स कहाँ पर है, मेरी तरफ. ई भी कहाँ पर है, मेरी तरफ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ई वेक्टर भी है. तो ई की वैल्यू ये एम वन यहाँ क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जी एम वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी एम वन बाय आर स्क्वायर. उसी तरीके से एम टू भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा, वेक्टर राइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, और अगर फोर्स राइट है तो ई भी राइट है. तो ई कितना लगाएगा, जी एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब एक वेक्टर लेफ्ट है एक वेक्टर राइट है, तो नेट ई की वैल्यू में से क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस. अब मुझे नहीं पता बड़ा छोटा कौन है, पर जो न्यूमेरिकल गिवन होगा उसमें से बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा. आइडिया समझ में आ रहा है, मतलब आप ई के न्यूमेरिकल बिना वेक्टर ड्रॉ किए मत करना, आपका क्वेश्चन पक्का गलत होगा. तो ई और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहां पर आपको ई निकालना है उसके आसपास जो मासेज हैं वो सारे मिलकर अपना अपना वेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और मैं क्या करता हूं सबका वेक्टर सम लगा लेता हूं. तो अगर आप ये पूछो आप सब प्लैनेट्स हैं और मेरे ऊपर तुमने ई लगाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा देखो ना ये मास का वेक्टर यहां बनेगा अट्रैक्टिव, उस मास का वहां बनेगा, उस मास का वहां बनेगा, उस मास का वहां बनेगा, सब मासेस की वजह से ई का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूंगा और सबका वेक्टर सम लेता जाऊंगा, आंसर आता जाएगा. इस प्रिंसिपल को फिजिक्स में बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. सुपर पोजिशन का मतलब कि जो एक पॉइंट के ऊपर जब ई निकालना है उसके पड़ोस में जो मासेज हैं वो सारे वहां वेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और नेट जो फोर्स आती है, नेट जो ई आता है, उन सबका वेक्टर सम आता है, इसको सुपर पोजिशन बोलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेता हूं. आप मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास पहला मास ये रहा एम वन, बड़ा मास है, दूसरा मास ये रहा एम टू, ये रहा, और ये आर है, ये आर है, मुझे ई यहां निकालना है, मुझे ई यहां निकालना है, और चलो ये बड़े बड़े मासेज हैं वो वहां पर रख लो, ये लो 2 किलो का मास यहाँ भी रख लो, मेरी तरफ से रख लो, मुझे वहाँ ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और वो छोटा सा मास है, और मुझे वहाँ पे ई निकालना है. सबसे पहला काम क्या, जहाँ पर ई निकालना है वहाँ कितना भी मास पड़ा हो तुम्हें मैटर नहीं करता, तुम्हें चाहिए ही नहीं है, तो तुम इसको देखना पहले तो बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जहाँ ई निकालना है वहाँ मास तो वन ही ले लेना. अब कौन लगाएगा ई, इसके आस पड़ोस के मासेस लगाएंगे इसके ऊपर ई, तो M1 भी लगाएगा और M2 भी लगाएगा. अब शुरू करते हैं, M2 इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसका E कहाँ लगेगा, लेफ्ट, अट्रैक्टिव फोर्स है तो E भी फोर्स की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर E का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, G M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर.
एक वेक्टर, अब यहां पर एक और मास है m1 भी तो e लगाएगा वहां पर, तो m1 कितना e लगाएगा, लेफ्ट की तरफ लगाएगा, कितना g m1 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इन्हें ऐड, और ऐड करके ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू आ जाएगी e की टुवर्ड लेफ्ट। तो कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है, तो पहले इसने e लगाया लेफ्ट, अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर इसने भी उसको अट्रैक्ट किया, दोनों ई ऐड कर दिया। तुम जब घर जाओगे और तुम्हें न्यूमेरिकल दूंगा, तुमसे एक गलती भी हो सकती है और तुम घर जाके सोच भी सकते हो, सर इसने भी तो इसके ऊपर ई लगाया होगा, इसने भी तो, वो तो आपने लिया ही नहीं क्योंकि मेरे से पूछा ही नहीं। तो अगर आप सब प्लैनेट्स हैं, या हम सब मान लो आप सब प्लैनेट्स और मैं एक पॉइंट मास हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि आप सब मेरे पे ई कितना लगाएंगे, तो सारे वेक्टर मेरे पे बनाना, अपने पे मत बनाना आपस में, क्वेश्चन मेरे पे पूछा गया है तो सारे वेक्टर मेरे पे बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, हम सब मान लो मासेज हैं और मैंने ई निकालने को इसके ऊपर बोल दिया, इसके ऊपर ई निकालो, चलो इसके ऊपर ई निकालो, तो अगर इनके ऊपर ई निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हर कोई मास इसके ऊपर क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ई, हर कोई अपना अपना वेक्टर बनाएगा। अब सारे वेक्टर इस पे बनाना, आपस में मत बनाना, चाहे एग्जिस्ट करते हैं तब भी मत बनाना, पूछा ही नहीं, अननेसेसरी खाम खाम उठा के आपस में बात करे जाओगे, फायदा क्या, पूछा तो इसके ऊपर नेट फोर्स है या नेट ई है। तो समझ में आ रहा है कि सुपरपोजिशन कैसे काम करता है। इस एग्जाम्पल को और बेटर समझने के लिए ये लो एक एक और क्वेश्चन है। सपोज आपके पास दो मासेज हैं m1 m2 और इनके बीच में डिस्टेंस गिवन है r, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ढूंढो, एक पॉइंट ढूंढो जहां पर नेट e जीरो है, दोनों प्लैनेट्स यहां पर e लगाएंगे पर नेट e जीरो चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मान लो ये वो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ x जहां पर नेट e जीरो है, तो अगर ये x तो ये r माइनस x। अब रूल बताओ, जहां e निकालना है वहां पे मास चाहिए नहीं, क्या करें, वन पुट कर लें, ये m1 इसे अट्रैक्ट करेगा तो e कहां लगाएगा, g m1 by x square, और वो मास इधर अट्रैक्ट करेगा तो e कहां लगाएगा, g m2 by r minus x का होल स्क्वायर। वेक्टर सारे के सारे यहां पे बनाना, क्योंकि यहां पर नेट e को क्या करना है आपको, जीरो, और जीरो करने के लिए लेफ्ट और राइट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दें तो नेट e क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से करना है, यहां से x निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नेट फोर्स को जीरो किया था लास्ट टाइम, ऐसे नेट ई को जीरो करना है। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा और आगे चलें तो इसके अंदर मैंने और इसके अंदर एग्जांपल जोड़े हुए हैं, जैसे यहां से शुरू करते हैं और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स या नेट ई को निकालना वेक्टर सम से। तो क्वेश्चन है, मान लो ये तीन मासेज हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और कुछ नहीं करने वाला इसमें, सारा कॉन्सेप्ट ही वेक्टर का है और है ही नहीं इसमें कुछ भी। मान लो तीन मासेज हैं, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m2, मैंने क्या बोला m2, अब सारे वेक्टर्स किस पे बनेंगे, m2 पे क्या निकालनी है, नेट फोर्स। ये क्वेश्चन e का नहीं है, ये क्वेश्चन F का है, कोई फर्क ना पड़ता, एक जैसे ही दोनों। तो अब क्योंकि नेट फोर्स M2 पे निकालनी है, कौन लगाएगा इस पे फोर्स, इसके आस पड़ोस के मासेस, ये मास इस मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वेक्टर लेफ्ट बनेगा G M2 M3 बाई 12 का स्क्वायर, और ये मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा G M1 M2 बाई 10 और 12 22 का स्क्वायर। हाँ, आप कहोगे घर जाके ये लगाएंगे, हाँ लगाते हैं फोर्स पर, ले भी नहीं क्योंकि मेरा नेट फोर्स मुझे कहाँ निकालना है, यहाँ पे, तो सारे वेक्टर कहाँ ड्रॉ करने हैं, यहीं पे। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं लेफ्ट की तरफ, नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, और दोनों वेक्टर का वेक्टर सम लेना, दोनों फोर्सेज का वेक्टर सम लेना, इसे बोलते हैं हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो आइडिया क्लियर है, जैसे अगर मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया m1 m2 m3 और मेरे पास अब नेट फोर्स मुझे कहाँ निकालनी है, m1 पे निकालनी है, ध्यान से मैंने पॉइंट ही चेंज कर दिया m1 पे, अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, m1 पे बनेंगे, कैसे,
एम थ्री एम वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जी एम वन एम थ्री बाई 10 का स्क्वायर, और इधर से एम टू भी एम वन को अट्रैक्ट करेगा, जी एम वन एम टू बाई 22 का स्क्वायर। दोनों वेक्टर मेरी तरफ हैं, नेट फोर्स क्या होगी इन दोनों का वेक्टर सम टुवर्ड्स राइट, डन। तो फोर्स समझ में आ रही है कि जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है सारे वेक्टर उसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, आस पड़ोस के मासेस के सारे वेक्टर ड्रॉ करो और फिर वेक्टर सम ले लो। क्वेश्चन चेंज कर दिया, M1, M2, M3 कर दिया, लेकिन इस बार क्या बोल दिया, नेट E निकाल लो, फोर्स ना निकाल लो, नेट E निकाल लो, किसके ऊपर, ऑन मास M3। अब जहां M3 है वहां पर M3 को हटाओ पहले तो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अब फोर्स का क्वेश्चन थोड़ी ना है, फोर्स में दोनों मासेस लेने होते हैं, E में एक ही मास लेना है। तो जहां पर मुझे E निकालना है वहां मुझे मास चाहिए ही नहीं, मुझे वहां प्लस वन कर दिया, वन कर दिया मैंने यूनिट मास। अब मेरे को नेट ई इस पे निकालना है, कौन लगाएगा, आस पड़ोस के मासेस। अब एम वन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और एम टू भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। एम वन ई कितना लगाएगा, जी एम वन बाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि ई के फॉर्म में दो मास आते नहीं है, ई के फॉर्म में एक ही मास आता है। और इसमें एम टू क्या लगाएगा, जी एम टू बाई 12 का स्क्वायर, और एक वेक्टर राइट है एक लेफ्ट है, बड़े में से छोटा क्वेश्चन में क्या कर लेना, माइनस नेट ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सेम ही तो कॉन्सेप्ट है, फोर्स और ई का तो कॉन्सेप्ट ही सेम है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा जी मेरे को फिर से तीन मासेस गिवन है, इस बार मुझे नेट ई कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो उठा के एम वन को फेंको पहले, तो क्या लिया, वन मास ले लिया, चाहिए ही नहीं है मुझे जहाँ ई निकालना है मास। अब इस वन को कौन ई लगाएगा, आस पड़ोस के मासेस, कितने मासेस हैं आस पड़ोस में, दो। तो M3 M1 को अट्रैक्ट करेगा तो वेक्टर राइट बनेगा, G M3 by 10 का स्क्वायर, और M2 भी इसे अट्रैक्ट करेगा, G M2 by 22 का स्क्वायर। दोनों वेक्टर मेरी तरफ है, नेट वेक्टर में ऐड कर देना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया, अब मैं कहता हूं जी मेरे को E इस पे निकाल के दो, हाँ तो इस पे निकालना है, प्लस वन पुट कर दो। अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, इस पे। कौन लगाएगा इसके ऊपर ई, पड़ोस के मासेस, ये क्या करेगा इसे, एम थ्री क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका ई का कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो, जी एम थ्री बाई 12 का स्क्वायर, और ऐसी एम वन भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा जी एम वन बाई 22 स्क्वायर। दोनों वेक्टर लेफ्ट हैं, दोनों को ऐड करके आंसर। तो बस ये ई और एफ निकालने का तरीका है, ये सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आने वाले टाइम में जो अगली बार न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, जब भी मैं क्वेश्चन एफ का और ई का दूंगा, वो वेक्टर से सॉल्व होना है, बिना वेक्टर के होना नहीं। और वेक्टर कैसे चलेंगे, जिस आइडिया दे रहा हूं इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। तो आइडिया क्लियर है यहां तक कि कैसे ई और एफ के प्रॉब्लम चलती हैं पॉइंट मासेस के ऊपर, कोई डाउट इसमें, ठीक।